Himalaya Quista Pro has superior protein way. The healthy way to fitness. नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली। साल 2023 में देश के कई राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल भी खासा सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब महज 8 से 9 महीने का समय बचा है। आगामी विधानसभा चुनाव अब तक बीजेपी और कांग्रेस के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन अब इन चुनावों को लेकर तीसरे मोर्चे के रूप में आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। आम आदमी पार्टी के महासचिव संदीप पाठक ने मध्य प्रदेश का आम आदमी पार्टी का संगठन तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। आम आदमी पार्टी के महासचिव संदीप पाठक की तरफ से जारी लेटर में ये जानकारी दी गई है। इसी के साथ आम आदमी पार्टी जल्द मध्य प्रदेश में अपने नए संगठन की घोषणा करेगी। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी इस साल के आखिर में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। अब तक मध्य प्रदेश में दोनों ही प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस ही सक्रिय दिखाई दे रही थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने अपनी कार्यकारिणी भंग कर अपनी ओर से भी संकेत दे दिए हैं। इसी के साथ सियासी गलियारों में चर्चा ये भी है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और महासचिव संदीप पाठक ही मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की कमान संभालेंगे। बताया जा रहा है कि 4 फरवरी को संदीप पाठक मध्य प्रदेश जा सकते हैं और 4 फरवरी को ही मध्य प्रदेश की आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों की घोषणा भी कर सकते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि इस कार्यकारिणी में मेहनती और मिलनसार लोगों को ही मौका दिया जाएगा। इसमें इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी की ओर से कौन सक्रिय है कौन नहीं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश से पहले हरियाणा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ में भी आम आदमी पार्टी ने राज्य कार्यकारिणी को भंग कर दिया था। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, पार्टी वहां संगठन को नए सिरे से तैयार कर अपनी उपस्थिति को और मजबूत करना चाहती है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि अब तक क्षेत्रीय दल के तौर पर चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी जब राष्ट्रीय दल के तौर पर तमाम राज्यों में चुनाव लड़ेगी तो क्या उसे कामयाबी हासिल होती है या फिर नहीं। फिलहाल हमारी इस खबर में बस इतना ही, लेकिन दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।